बचपन से अमीर सुन्नत का कुर्ब आपको नसीब हुआ है, काबिल रश्क है इस मामले में आप, कोई ऐसी बात जो आपने कहीं ना बताई हो और आप अगर हमारे नाज़रीन को बता सकें? ये बड़ी जबरदस्त शर्त लगा दी, कहीं ना बताइए। हजरत आपके पास ही हो सकती है ऐसी बातें, क्योंकि तकरीबन लोगों के पास इतना कुर्ब जितना आपको मिला है ऐसा बहुत कम लोग हैं। हाँ चले आज बता ही देता हूँ, आज तक तो नहीं बताई किसी को। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। अच्छा वो एक्चुअली तो मेरी, यूं समझे कि मेरी क्या कहूँ, मेरी ही एक नाअहली की कहानी है, लेकिन उसमें अमीर अहलुसुन्नत का बड़ापन है। हाय हाय, तो मुर्शिद के बड़ापन हो तो हम तो, मैं नीवा मेरा मुर्शिद उच्चा। वाह वाह वाह। तो एक बार किसी मौके पर ऐसी कैफियत बन गई मदनी मशवरे में कि वो बड़े, अच्छा देखे ना, जो जिससे प्यार ज्यादा हो ना बंदा उसको भी डांटता भी, हर अजनबी को तो नहीं डांटता ना, आपका जिससे प्यार हो पता ये अपना ही है तो बंदा उसको एक और अंदाज से भी समझाता है। तो अमीर अहलुसुन्नत के साथ क्योंकि मेरा बचपन भी गुजरा है, हमारे घर भी करम फरमा रहे हैं कई महीनों तक, तो एक बड़ा क्लोज एक है। और तो एक मौके पर ऐसी कैफियत बनी कि अमीर अहलुसुन्नत ने मुझे एक मीठी डांट पिलाई। अच्छा मीठी डांट पिलाई तो मैं तो सच्ची बात है डर गया कि वो मुर्शिद है। तो मैं घर गया और मैंने फिर मैसेज पर माफ़ी का और आप मुझसे नाराज़ ना हो, हमारे पीर व मुर्शिद। लेकिन जब दूसरा दिन हुआ और खालिबन रमज़ान का ही महीना था, तो मैं जब गया अमीर अहलुसुन्नत की बारगाह में, तो मुझे अमीर अहलुसुन्नत के जो खादिम है वो आया कि आपके लिए अमीर अहलुसुन्नत ने कुछ दिया है। तो मैं फिर डर गया, मैंने कहा अल्लाह खैर। अब उसमें इतना बड़ा लेटर और उसमें इतनी दुआएं और अमीर अहलुसुन्नत माफ़ी मांग रहे हैं और आपका जो एक अंदाज़ है बेटा कल मैंने ये कह दिया, मेरे बच्चों के लिए तोहफे, मेरे लिए तोहफे, ईदी के पैसे। वाह वाह। मैं सोचूं यार ये कैसा पीर है, ये कैसे शफीक है, मिस्टेक भी मेरी और माफ़ी भी ये मांग रहे हैं और तोहफा भी यही दे रहे हैं। तो मैंने पता फिर उस वक्त क्या जुमला कहा, मैंने कहा बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन ऐसी गलतियां बार बार होती रहे जी, ऐसी डांट भी पड़ती रहे और ऐसे तोहफे भी मिलते रहे। आदत आप ये बात बता रहे थे ना, तो मैं भी सोच रहा था कि मुझे भी कोई ऐसी डांट पड़ जाए एक आध दफा तो करम हो जाए, यकीन मान में जहन में आया। हाँ यानी मैं यकीन करे, मैं जब घर गया ना तो घर वाले कहते इतने तोहफे कैसे मिल गए आपको, पापा ने साइन किए हुए नोट भी दिए थे, तो बच्चों के लिए ईदी भी दी, बच्चों के लिए ईदी दी, तो मतलब उनका जो एटीट्यूड समझाना किसी तरह राजी हो जाए। अच्छा उन्होंने राजी करने का तरीका भी सिखा दिया, हम बाज़ों को पता है माफी कैसे मांगते, यार माफ कर दो भाई, चलो यार कल कह दिया तो माफ कर दो, नहीं उसके दिल में इतनी खुशी दाखिल कर दो कि वो दिल से तुम्हें माफ करे। क्या ये अलग कि हम अमीर अहलुसुन्नत से मैं माफी मांगने गया था, मगर बड़ों की बड़ी बातें हैं ना, यानी आज देखे ना इतने साल गुजरने के बाद भी ये वाकया दिल में नक्श है जी। और मैंने कहा था कि ये तो फिर ऐसी डांट पड़ती रही और ऐसे तोहफे मिलते रहे तो और क्या चाहिए। अल्लाह।